दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, हमें चित्त समाधि देने वाला, हमारे रोम रोम को पुलकित करने वाला, हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला, हमें मानवतावादी सूत्र देने वाला, बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सभी को अच्छे अच्छे संस्कार देने वाला और जीवन जीने की पद्धति बताने वाला, जीवन का सर्वांगीण विकास करने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में सूत्र देने वाला और हमारे व्यक्तित्व विकास कैसे हो उसके बारे में बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय सांगोपांग बनाया जाता है, मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, शोध परख बनाया जाता है और उसमें ऐसी सामग्री डाली जाती है कि हर आयु वाले के लिए, हर वर्ग के लिए, हर इंटरेस्ट वाले के लिए और हर मानसिक स्तर वाले के लिए, हर जो है वो मेंटल होराइजन वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध हो और उसमें से कुछ ऐसी सामग्री वो एक्सट्रैक्ट कर सके जिससे कि उसके जीवन का निर्माण हो सके। इसी क्रम के अंदर आज हम एक जीवन निर्माण का बहुत बड़ा विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा जो विषय है, दूर दृष्टि, पक्का इरादा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जीवन निर्माण का बहुत अच्छा सूत्र है और ये सूत्र अगर कोई व्यक्ति जीवन में पालन करता है तो अवश्य ही सफलता मिलती है। पहले तो दूर दृष्टि और फिर पक्का इरादा, दोनों को हम समझेंगे कि इनका क्या अर्थ है। दूर दृष्टि का अर्थ होता है कि हमारा फॉरवर्ड होना चाहिए विजन। आज हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर तो उसकी पूरी प्लानिंग हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में तीन शब्द आता है, चिंतन, मनन और निध्यासन। चिंतन का अर्थ होता है कि मुझे क्या करना है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या योजना है, उसके बारे में चिंतन करना, फिर उसके बारे में मनन करना कि योजना किस तरीके से पूरी होगी, क्या साधन है, इसकी क्या बॉटलनेक्स है, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, इसकी सोशल यूटिलिटी क्या है, ये किस तरीके से उपयोग में आएगी, ये वायबल है या नहीं, इन सब बातों का मनन करना और निध्यासन करना, फिर उसको एग्जीक्यूशन के अंदर लगा देना, फिर जो डेडिकेशन और डिवोशन के साथ में उसको एग्जीक्यूशन में लगाना निध्यासन कहलाता है। तो दूर दृष्टि का यही अर्थ होता है कि जो व्यक्ति दूर दृष्टा होता है वो समाज को अच्छी दिशा के अंदर ले जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे बड़े बड़े महान लोग होते हैं, स्वामी विवेकानंद है, शंकराचार्य है और महात्मा गांधी है, दयानंद सरस्वती, किन किन का नाम, कबीर जी है, रहीम जी है, तुलसीदास जी है, जो वो दूर दृष्टा थे, वो युग सृष्टा थे, वो युग की बात को, युग की नब्ज को समझते थे कि आज युग में क्या चल रहा है और आने वाले समय में युग में क्या परिवर्तन होने वाला है, उस परिवर्तन के अनुकूल हमारी प्रजा को कैसे ढाला जाए, हम कैसे उसके लिए तैयारी करें, कैसे उसके लिए सचेष्ट हो जाए ताकि कि हम सफल हो सके। तो ये दूरदृष्टि हमारी जो है वो हमारा एक चिंतन होना चाहिए कि हम किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ेंगे, चाहे हमारा पारिवारिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे राज्य का कार्य हो, चाहे देश का कार्य हो, चाहे विश्व का कार्य हो, हर एक के अंदर दूरदृष्टि होनी चाहिए। हमारे माइंड के अंदर कहाँ का प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं। पारिवारिक दृष्टि से अगर बात करें तो हमारे परिवार में कितने सदस्य है, उसमें उनकी एजुकेशन का ध्यान देना, एजुकेशन के बाद में कैसे उनको अच्छा जॉब मिले और फिर किस तरीके से उनकी ब्याह शादी का हो और किस तरीके से उनकी फैमिली लाइफ अच्छी हो, ये सारी दूरदृष्टि से प्लानिंग की जानी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि पानी आने के पहले पाल बांधनी चाहिए। तेज बरसात हो गई, अतिवृष्टि हो गई और वृष्टि होती है उस वक्त हम कहते हैं हम पाल बांध रहे हैं, उससे क्या होगा, पाल नहीं टिकेगी और सारा पानी फ्लडिंग हो जाएगा और हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्री प्लानिंग करनी चाहिए। दूर दृष्टि का मतलब ये कि प्री प्लानिंग करना चाहिए विद विजन के साथ में कि हमें सारा उसका प्रोस एंड कॉन्स जो है हमारे दिमाग के अंदर क्लियर होनी चाहिए। ये दूरदृष्टि और पक्का इरादा। अभी मैंने बताया कि चिंतन, मनन और निध्यासन, तीन बातों पर हमें गहराई से सोचना चाहिए और जब सोच लिया उसके बाद में डेडिकेशन और डिवोशन होना चाहिए। हमारा आत्मविश्वास बोलना चाहिए कि जो कार्य मैंने हाथ में लिया ये मैं करके रहूंगा,
चाहे कितनी भी समस्याएं आए, मैं इस कार्य से पीछे हटने वाला नहीं हूं, हर समस्या का मैं समाधान ढूंढूंगा बड़े शांति पूर्वक बैलेंस्ड माइंड के साथ में, और उन समस्याओं से जूझूंगा। ऐसा नहीं कि हमने कार्य प्रारंभ किया और कार्य प्रारंभ करते ही जो है हमें कोई समस्या आई, जैसे कहते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, यानी कार्य प्रारंभ करते ही समस्या आ गई और आपने घुटने टेक दिए, आप वहीं पर रुक गए और कार्य फेल हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेडिकेशन डिवोशन में होता है कि जो हमारे साथ समस्या आती है, हर समस्या समाधान लेकर के आती है, हमें समाधान सोचना चाहिए। चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। ये हमारी भारतीय संस्कृति के बड़े स्लोगन्स हैं और ये हमारे महापुरुषों ने बड़ा अनुभव के साथ सोच करके बनाए हैं कि आप चिंता मत करिए, आप उसका उसका सोल्यूशन देखिए, क्या समस्या आई है, उस समस्या का कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसको हर दृष्टिकोण से देखिए, आपको सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। तो पक्का इरादा, मतलब फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि ये कार्य मैंने बहुत चिंतन पूर्वक बहुत मनन पूर्वक चालू किया है, इस कार्य को मैं फेल नहीं होने दूंगा। और अगर एक व्यक्ति भी फर्म डिटर्मिनेंट हो जावे तो वो कभी भी कार्य असफल नहीं हो सकता। मैं आपको वर्तमान का उदाहरण देना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी ने लगभग 12 वर्ष तक जो है जो चीफ मिनिस्टर गुजरात का बड़ी अच्छी तरीके से कार्य किया और अपनी स्किल को डेवलप किया, अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप किया और करके उन्होंने अच्छी सेवा की, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि उनके रोम रोम में देश सेवा भरी हुई है, रोम रोम में देशभक्ति है और वो देश की वास्तव में सही तरीके से सेवा करना चाहते हैं। फिर उन्होंने देखा कि मैं लंबे समय तक स्टेट में काम कर चुका हूं, अब मुझे देश की सेवा करना चाहिए, थोड़ा मुझे मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है और मेरा आत्मविश्वास मेरा आत्मबल बढ़ गया है, तो उन्होंने सोचा कि मैं राष्ट्र सेवा में लगूं। राष्ट्र उनकी कैपेबिलिटी थी, राष्ट्र सेवा में आए, बहुत से हर्डल आए, उनके खुद के लोगों ने उनको रोका आगे बढ़ने के लिए, कई तरह के जाल बिछाए, कई तरह के मायावी जो है वो पासे फेंके गए, लेकिन जो व्यक्ति फर्म डिटरमेंट होता है, दूर दृष्टि वाला होता है, पक्का इरादे वाला होता है, वो सब समस्याओं को चीर करके आगे बढ़ता रहता है। नरेंद्र भाई मोदी आगे बढ़ते रहे और 5 साल तक उन्होंने अच्छा सुशासन किया देश पर और देश को अच्छी तरक्की दी और देश के जो सारे नागरिक है उनको सुविधाएं दी और देश का हमारा जो जो मान है वो विश्व में ही बढ़ाया। जो धर्म गुरु देश कहा जाता था, उन्होंने धर्म गुरु देश को आगे बढ़ने के लिए एक एक देश में जाकर के हमारी देश की फिलॉसफी बढ़ाई, देश की हमारी कृति है उस योग को आगे बढ़ाया और उन्होंने सारी विश्व को बताया कि योग जो है बहुत ही सुंदर है, ये हमारे जीवन निर्माण का होलिस्टिक लाइफ पद्धति है और विश्व ने माना। और 21 जून प्रतिवर्ष पिछले 3 सालों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और महात्मा गांधी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस विश्व मना रहा है। यानी हम धर्म गुरु देश बनने की दिशा में पुनः आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा लीडर नरेंद्र भाई मोदी है वो दूर दृष्टि वाले हैं, वो पक्के इरादे वाले हैं, इसीलिए ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, भीड़ से काम नहीं होता है, कुछ ही लोग फर्म डिटरमेंट होते हैं वो आगे बढ़ा देते। मैं आपको कुछ कोट करना चाहूँगा, जैन धर्म को देखिए, भगवान महावीर अकेले थे, उन्होंने अकेले तपस्या की 12.5 वर्ष तक और उसके बाद के अंदर उन तपस्या वो साधु बन गए, राजकुमार थे, वैशाली के बड़े राजा थे और उन्होंने सारा लेकर संन्यास किया और फिर अपने आप की पहचान की, मैं कौन हूँ, और एक विश्व को जो है जैन धर्म दिया, उसका प्रतिपादन किया, एक ही व्यक्ति ने किया। एक व्यक्ति का फर्म डिटर्मिनेंट जो है पूरे विश्व को लाभ पहुंचा सकता है। भगवान बुद्ध को देखिए, एक ही व्यक्ति ने तपस्या करके और भीतरी अपने जगत में गोते लगा करके सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, उन्होंने जो है
लोगों के सामने, ऐसे हिंदुस्तान में हमारे बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, गुरु नानक हुए हैं, कबीर जी हुए हैं, रहीम जी हुए हैं, रैदास जी हुए हैं, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लोग हुए हैं जो दूरदृष्टि वाले थे और पक्का इरादा वाले थे। तो आज हमारी भारतीय संस्कृति, समृद्ध संस्कृति इन लोगों की वजह से बनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा सूत्र है, आप जीवन के अंदर अपना लो, जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी और जीवन जो है आपका बिल्कुल टाइम टू टाइम आगे बढ़ता रहेगा, ऑटोमेटिकली टाइम आपका मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि आप दूरदृष्टि सोचोगे, एक काम पूरा किया है, दूसरा काम हाथ में ले लोगे, तीसरा काम हाथ में ले लोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और अच्छा व्यक्ति सत्य कार्य करने वाले को प्रोत्साहन मिलता है, जनता उसके साथ होती है। जब लोग हमको प्रोत्साहित करते हैं, जैसे परोपकार की बात कहें, समाज सेवा की बात करें, अगर हम सही दिशा के अंदर चल रहे हों और लोग हमारा साथ देता है, तो हमारी भी इच्छा होती है कि आखिर ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन जाना है, और मेरी योग्यता है, मेरा ब्रेन काम करता है, तो क्यों ना मैं मेरे भाइयों के लिए अच्छा कार्य करूँ और अच्छा सेवा का कार्य करके आगे बढ़ता रहूं। तो यह क्या होता है कि दूरदृष्टि व्यक्ति ही कर सकता है, आलसी व्यक्ति नहीं कर सकता है। आलस्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, जो आलसी होते हैं उन लोगों का जो है उनका शत्रु होता है, हमारे जीवन का, हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। और जो लोग जागृत होते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, जिसमें कुछ ललक है, वेर देर इज ए विल देर इज ए वे, अपने आप रास्ता मिलता, चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता गया, सब कुछ हो जाता है। हमारा जो है दूरदृष्टि होनी चाहिए और पक्का इरादा होना चाहिए और हमारा कोच अच्छा होना चाहिए। जो हम कार्य कर रहे हैं, अपने आप से इसकी संतुष्टि कर लो, यह कार्य किसी को कष्ट देने वाला तो नहीं है, ये किसी भी प्राणी मात्र को तकलीफ देने वाला तो नहीं है, ये हमारा समाज विरोधी कार्य तो नहीं है। अगर वो कार्य कौज सबके भले के लिए है तो डू इट। और जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको जनता का कोऑपरेशन मिलेगा, आपके साथ टीम बनेगी, जो कि सेम मानसिकता के लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे, वो सोचेंगे अच्छा कार्य कर रहा है, हमको भी अच्छा कार्य करना चाहिए, हमको एक अच्छा लीडर बन, हमें एक लीडर मिल गया। क्योंकि लीडरशिप जो गॉड गिवन गिफ्ट होती है, ये हर व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता, लीडर लोग बहुत लिमिटेड होते हैं, जिसके अंदर की लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, ऐसे लिमिटेड लोग होते हैं, बहुत बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति सौभाग्य से मिल जाते हैं तो टीम तो बहुत हो जाती है। अगर इंजन पावरफुल है तो डब्बे कितने ही लगाओ, अगर 10 की जगह 11 डब्बे लगा दोगे तो इंजन खींच देगा। इंजन पावरफुल चाहिए, लीडर अच्छा होना चाहिए। लीडर कैसा होना चाहिए? दूरदृष्टि चिंतन वाला होना चाहिए, पक्के इरादे वाला होना चाहिए, वो कफन बांध कर चलने वाला होना चाहिए कि चाहे मेरे साथ में जीवन में कोई भी तकलीफ आवे, मैं घबराऊंगा नहीं और मैं उस तकलीफ का सामना करता रहूंगा। और हर समस्या समाधान लेकर के आती है, हर तकलीफ जो है उसका एंड अच्छे सुख के साथ होता है, शांति के साथ होता है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, आज मैं इस एपिसोड को जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंत के संदर्भ में देखना चाहता हूं, आज सिनेरियो बिगड़ा हुआ है, आज हमारे देश की, हमारे समाज की और हमारे घरों की क्या स्थिति है। आज घरों के अंदर जो बेचारे दूरदृष्टि वाले होते हैं, पक्का इरादे वाले होते हैं, आजकल नेगेटिव सोच इतनी बढ़ गई है, लोगों के अंदर नकारात्मक सोच के कारण अच्छे अच्छे लोगों को खदेड़ दिया जाता है, सहयोग नहीं किया जाता है, और लोगों के जो है वो नेगेटिव थिंकिंग का हमारी जो कॉस्मोस है, उस कॉस्मोस के अंदर भी जो ऊर्जा है वो नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो हमारे इस कॉस्मोस में, इस सृष्टि के अंदर जो है वैचारिक प्रदूषण कितना बड़ा हुआ है। जहाँ भी खड़े रहो तो नेगेटिव एनर्जी दिखाई देती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोचने लग गए हैं। तो ऐसे युग के अंदर दूरदृष्टि, पक्का इरादा जो है वाला व्यक्ति की आवश्यकता है, इस स्लोगन की आवश्यकता है। और खास तौर से मेरे जो युवा बंधु है, भारत के अंदर 80 करोड़ युवा है, और युवा जो है वो शक्ति का विस्फोट कर सकता है। युवा का जो जीवन होता है वह
पूर्ण जीवन होता है वो कोई भी कार्य हाथ में ले सकता है तो उसको पार कर सकता है, क्योंकि उसमें शक्ति होती है, ताकत होती है, उसमें रिस्क लेने की जो है मादा होता है। तो युवाओं को जो है दूर दृष्टि और पक्का इरादा के साथ में चलना चाहिए और लक्ष्य बनाना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर हमारे जीवन का लक्ष्य बनाओ। जब हमारे समझ में आ जाती है, हम 10वीं 11वीं पास कर लेते हैं, तो हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि पढ़ाई के स्तर से देखा जाए तो देखिए साइंस मैथमेटिक्स होती है, साइंस बायोलॉजी होती है, उसके बाद में कॉमर्स होती है, फिर आर्ट्स होती है। ये शिक्षा अपने मेंटल कुछ डेवलपमेंट के लिए है, और जो हमने लाइन सेलेक्ट कर ली है उस लाइन में जाइए, फिर उसमें गहरे 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 पैठते जाइए और पैठ करके और आगे बढ़ते जाइए। अपने साथ में स्लोगन और हमारा लक्ष्य रखिए कि दूरदृष्टि और पक्का इरादा, आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। चाहे आप मैनेजमेंट करें, चाहे सीए बने, चाहे पॉलिटिशियन बने, चाहे आईएएस बने, चाहे आज जो आईपीएस बने, कुछ भी बने, तो आप जीवन का जैसा लक्ष्य बनाओगे, और युवा बना सकता है और बनाने के बाद उसको प्राप्त भी कर सकता है। पर प्राप्त कब होगा? जब उसकी दूरदृष्टि होगी कि मुझे आईएएस बनने के बाद में क्या करना है, मैं मेरे जीवन को स्वच्छ रखूंगा और लोगों की भलाई करूंगा, और मैं एक लोगों में एक अच्छी इमेज बनाऊंगा, लोगों के अंदर जो है ईमानदारी की इमेज बनाऊंगा, उससे मेरे देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा और मेरे भाइयों का विकास होगा। और आईएएस एंड आईपीएस आर द मॉडर्न किंग्स ऑफ द इंडिया। अगर वो ऐसा सोच लेते हैं, वो दूरदृष्टि वाले होते हैं, पक्के इरादे वाले, तो पॉलिटिशियंस होते हैं जो अच्छे मिनिस्टर बनते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, वो ठान लेते हैं। अगर वो दूरदृष्टि वाले होते हैं और पक्के इरादे वाले हैं, तो निश्चित जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को जो है चुन के भेजा है, लोगों ने अपना कार्य कर दिया है कि ये हमारा प्रतिनिधि रूप में इस एमपी को हम स्थापित करते हैं। तो वो जो है लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता, लाखों लोगों की शक्ति उसके साथ में। हमारे वर्तमान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं, मेरे तो 125 करोड़ लोगों की शक्ति मेरे पास में है, 250 हाथ मेरे साथ में सपोर्ट करने वाले, मुझे डरने की क्या जरूरत है। ऐसा व्यक्ति कौन कह सकता है जो दूरदृष्टि वाला होता है, पक्का इरादे वाला होता है, और जिसका अच्छा कौज होगा, वो जनता की सेवा करने वाला होगा, वो भ्रष्टाचार से दूर रह के ईमानदारी, योग का जीवन जी करके और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के फॉर्मूले से प्रजा की सेवा करने की उसके अंदर भावना होगी, वही व्यक्ति जो ऐसा सोच सकता है, ऐसा कर सकता है। और जिसका कौज अच्छा होगा, जिसकी सोच अच्छी है, जिसकी लाइफ बहुत सिंपल है, और उसका वो सबसे बड़ी उसमें विधायक भाव है, वह दुख में से भी सुख निकाल देगा। जो हर्डल सामने आएगी, उस हर्डल में से तुरंत सॉल्यूशन निकाल देगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन का लक्ष्य बना दीजिए कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, तो निश्चित ही सफलता आपके चरण चूमेगी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, और देखिए मनुष्य के लिए कहा गया है कि जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अगर 10 2-2 फुट के जो है, जो 2-2 3-3 फुट के हम जो 10 खड्डे खोदें और हम चिंतन करें हमें पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। 1-50 फुट गहरा खड्डा खोदोगे जब पानी मिलेगा। यानी जीवन के अंदर लिमिटेड 1 या 2 लक्ष्य लीजिए और उस लक्ष्य के अंदर गहरे 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 बैठते जाइए। और कहा भी गया है कि ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति अगर मान लो गहरा सोचता रहे, गहरा जाता रहे, तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। तो इसीलिए आज का जो हमारा एपिसोड है, बहुत ही सुंदर एपिसोड है, और मैं निष्कर्ष के रूप में इस एपिसोड के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आपका जीवन का लक्ष्य बन चुका है और उस लक्ष्य की आप प्राप्ति करना चाहते हो, तो आप उसके साथ में दूरदृष्टि, पक्का इरादा सप्लीमेंट कर दो, उसके साथ में जोड़ दो, तो आपको कोई भी समस्या जो है नहीं सता सकती, हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। और वैसे भी हम जीवन के अंदर अगर देखें, तो अगर हमारा विजन फॉरवर्ड नहीं है, अगर हम जो है 5 दिन आगे हमें क्या करना है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम आज
का दिन वेस्ट हो जाएगा, कल क्या करेंगे, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे पास चिंतन होना चाहिए, मासिक रूप का, क्वार्टरली का, ईयरली का, हाफ ईयरली का, और डे का, और जो आवर्स का, हर चीज का चिंतन होना चाहिए। उसको दूरदृष्टि यानी थोड़ा फॉरवर्ड होना चाहिए। और अगर मान लो प्रतिदिन का अगर कोई भी लक्ष्य बनाता है तो व्यक्ति सोने के पहले ये चिंतन कर ले कि नेक्स्ट डे के अंदर मुझे ये कार्य करने हैं, वो अपने दिमाग में रखे या अपने लिस्ट बना करके रखे और उसके ऊपर वो स्ट्रिक्ट रहे। ऐसा नहीं कि वो कार्य नेक्स्ट डे करना होता और आपने बीच के अंदर कोई नया कार्य ले लिया तो जो आपका असाइनमेंट और प्रायोरिटी गलत हो जाएगा। जिसको आपने कमिटमेंट कर रखा है, जिसको टाइम दे रखा है, वो शेड्यूल बिगड़ जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो पक्का इरादा का अर्थ क्या है कि जो हमने प्रायोरिटी, जो असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी बनाई है उस पर हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, उसके साथ में समझौता नहीं करना चाहिए। और दूरदृष्टि पक्का इरादा का सोचने वाला व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट को बहुत सोचना चाहिए उसको कि टाइम इज मनी। उसका चिंतन है समय के साथ में चलना चाहिए कि मुझे इस आवर्स के अंदर ये कार्य करना है, तो उस आवर्स के अंदर जो है वो कार्य संपन्न कर देना चाहिए। और दूसरे आवर्स के अंदर अगर कोई दूसरी चीज़ आती है और वो पूरा नहीं होता है, उसको लेट इट लिंगर ऑन फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर द नेक्स्ट टाइम, फॉर द नेक्स्ट टर्न, फॉर द नेक्स्ट फेज। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आपके जीवन निर्माण की कई टिप्स देता है, कई सूत्र देता है, कई पद्धतियाँ बताता है, कई मेथोडोलॉजी बताता है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम से जुड़ते रहिए। और जो लोग पुनरुत्थान कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और रेगुलर देख रहे हैं, बड़ी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं कि हमारा यह जगत और पारलौकिक जगत, दोनों जगत की बातें बताई जा रही है, दोनों के संतुलन की बातें बताई जा रही है। क्योंकि हमारा जो पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि नकारात्मक सोच को तिरोहित करके उसकी जगह सकारात्मक सोच को डेवलप करना। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, आप शतायु हो करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए और आप लोगों का परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भावना।